तो ये देखो जी, हमारा दोनों पिज्जा बन गया है। ओह माय गॉड, रोटी का पिज्जा हमारा बनके तैयार हो गया है। तो गाइज, आज हम बनाने वाले हैं पिज्जा सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट में, और दुनिया का सबसे हेल्थी पिज्जा। तो आप सोच रहे होंगे वो कैसे, तो आप हमारे हाथ में रोटी देख रहे हैं और आज हम बनाने वाले हैं रोटी से पिज्जा, जो कि दुनिया का सबसे हेल्दी पिज्जा होने वाला है। तो चलो हम आपको बताते हैं कि इसके लिए क्या क्या चाहिए। सबसे पहले तो हमको चाहिए रोटी, क्योंकि हम रोटी से ही बनाने वाले हैं। इसका बेस जो है वो हम रोटी का बनाएंगे, बाकी हमको जो वेजिटेबल्स डालना है वो चाहिए हमको। ये टमाटर है, शिमला मिर्च है, प्याज है, पनीर है, ये है बटर इसको सेकने के लिए, और हमारे पास है मोजरेला चीज, और ये है पिज्जा ओरिगेनो, और ये है पिज्जा पास्ता सॉस। तो इतनी चीजें चाहिए हमको। तो चलिए फटाक फटाक बनाते हैं और आपको दिखाते हैं कि कैसे बनाना है। तो भाई हम बना रहे हैं 2 पिज्जा, हम एक इस तवे में सेकेंगे और एक इसमें सेकेंगे। तो सबसे पहला पिज्जा बनाते हैं। तो चलिए दिखाते हैं कि कैसे बनाना है। तो इसको बनने में सिर्फ 2 ही मिनट लगते हैं और ये बहुत ही ज्यादा हेल्दी भी रहता है। तो बाकी की रोटियां हम रख देते हैं इसमें, और अब हमको लेना है सबसे पहले पिज्जा पास्ता सॉस, और इसको हमको इसके ऊपर लगा देना है खूब अच्छे से, जिससे कि हमारा पिज्जा सबसे अच्छा बने। तो इसको लगा के ऐसे पूरा फैला देना है पूरी रोटी पे, जैसे कि हम कर रहे हैं। अगर आप भी घर पे बना रहे हैं, आपके बच्चे आपसे डेली पिज्जा खाने की मांग करते हैं, तो आप इसको एक बार घर में बनाइएगा और एक बार बना के खिला देंगे ना, कसम से यकीन मानिए, बार बार सब घर में ही बनाने की बात करेंगे, मतलब घर में बनाने के लिए बोलेंगे, बाहर वाला पिज्जा भूल जाएंगे। देखो क्या होता है ना, जो पिज्जा होता है उसका जो बेस होता है ना, वो मैदे का बना होता है। तो आप जानते हैं ये मैदा हमारी हेल्थ के लिए कितना ज्यादा नुकसान करता है। और ये है हमारी रोटियां गेहूं की। तो देखिए हमारा इस पे पूरा अच्छे से सॉस जो है लग चुका है, और अब हम इसके ऊपर से डालेंगे मोजरेला चीज। सबसे ज्यादा मजा आता है पिज्जा में खाने में, क्योंकि अगर चीज ना हो तो पिज्जा में मजा ही नहीं आता है। तो हम इसमें डालेंगे भर भर के चीज। तो ये देखो, ये रहा हमारा चीज। ऊपर थोड़ा सा कम डालेंगे, मतलब नीचे थोड़ा सा कम डालेंगे। अभी हम इसमें एक रोटी और लगाएंगे, तो इसको अच्छे से ऐसे फैला देंगे अच्छे से डाल के, और अब हम रखेंगे एक और रोटी इसके ऊपर। अब हम इसमें फिर से लगाएंगे पिज्जा पास्ता सॉस। जितना अच्छे से आप इसको प्यार से बनाएंगे उतना अच्छा लगेगा ये खाने में, सच्ची बता रहे हैं। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है अभी से, अभी तो बना भी नहीं है पूरा सा, अभी तो हम बना रहे हैं, अभी इसको सेकना है, अभी इसमें सारी वेजिटेबल्स डालेंगे, तो भाई कितना टेस्टी हो जाएगा ना ये। आपके पास अगर और भी सारी वेजिटेबल्स, जैसे आपको स्वीट कॉर्न वगैरह डालना है, कुछ भी डालना है, तो आप सब कुछ डाल सकते हो। हम तो नॉर्मली जो घर में चीजें हैं सिर्फ उनसे बना रहे हैं। तो ये देखो, इसमें हम डाल देंगे ये। उसके बाद अब हम इसमें रखेंगे सारी सब्जियां। तो ये रहा हमारा शिमला मिर्च, इसको सजा देंगे अच्छे से। हाँ, एक बात का ध्यान रखिएगा, ये सब ना पतले पतले काटिएगा, नहीं तो ये फिर ज्यादा अच्छा नहीं लगेगा। और हमने टमाटर के बीज निकाल दिए हैं, अब हम इसको भी रख देंगे। तो जल्दी जल्दी से हम सजाते हैं, हमारे मुंह में तो अभी से पानी आ रहा है, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है यार, कसम से क्या बताएं। 3 ही टमाटर रखेंगे। अब हम इसमें डालेंगे प्याज। भाई प्याज जो होता है ना पिज्जा में, तो सबसे मस्त लगता है, क्या ही बताएं, मतलब इतना हमारा, इतनी अच्छी खुशबू आ रही ना इसको अभी से, बताओ ये जब बनेगा तैयार होगा तो पता नहीं क्या होगा, हमसे तो कंट्रोल नहीं हो रहा भाई। अब जल्दी जल्दी बनाते हैं। अब ये रहा हमारा जो हमने ये क्या है, पनीर, पनीर भी डाल देते हैं। अगर आपको इसमें मशरूम, जो स्वीट कॉर्न, कुछ भी खाना है ना, तो आप सब कुछ डाल सकते हो। तो पहले हम, ये देखो हमारा अच्छे से हो गया। अब हम इसके ऊपर फिर से डालेंगे खूब ढेर सारा चीज, जिससे कि हमारा पिज्जा खूब अच्छा बने। तो ये देखो, हमने ढेर सारा भर भर के चीज डाल दिया है, और देखने में लग रहा है ना एकदम यम यम, भाई मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। तो अब हम इसमें डालेंगे 1 चिली फ्लेक्स, ये हमारे पास पहले से रखा था, हमने जब एक दो बार पिज्जा मंगाया था तो हमने खाया नहीं है, मतलब ज्यादा आ गया था, तो चिली फ्लेक्स हम ज़्यादा नहीं डालेंगे, नहीं तो तीखा हो जाएगा। और अब हम डालेंगे इसमें ओरिगेनो थोड़ा सा, जिससे कि ये अच्छा लगे। ये देखो, इसको हमने डाल दिया। अब हम इसको रखेंगे कुक करने के लिए, मतलब इसको पकाएंगे। तो हमारे पास है 2 तवे, मतलब ये तो फ्राइंग पैन है और ये है तवा, तो हम दोनों पे एक एक पिज्जा बनाएंगे। सबसे पहले हम गैस जलाते हैं, हमारा लाइटर ही नहीं जल रहा, हम माचिस से जला लेते हैं। ये रहा बटर, हम बटर छोटा वाला लेके आए, क्योंकि भाई आप लोग जानते हो हमारे यहाँ भी फ्रिज नहीं है तो खराब हो जाएगा, इसलिए हम थोड़ी थोड़ी चीजें लेके आते हैं, थोड़ा सा हमारा तवा गर्म हो जाए तब फिर हम इसको बेक करेंगे, मतलब पकाएंगे। देखो क्या होता है कि ओवन में पकता है, लेकिन हम जब देसी तरीके से रोटी वाला पिज्जा बना रहे हैं तो इसको हम
तवे में ही सेकेंगे ना। बहुत सारे लोग वैसे भी पिज्जा अगर आप कोई सा भी बनाते हैं तो भी आप घर में आराम से बना सकते हैं। तो हमारा तवा जो है वो गर्म हो गया है, अब हम इसमें लगाएंगे बटर, जिससे कि हमारा जो अपना जो गैस है ना फ्लेम, इसको हमको स्लोली रखना है, नहीं तो हमारा जो पिज्जा है वो नीचे से पूरा जल जाएगा। तो हमको इसको जलाना नहीं है, बस पकाना है। तो ये जो देख रहे हैं ना, इसमें चीज पड़ी हुई है, मोजरेला चीज, ये अभी पूरा मेल्ट हो जाएगी और भाई क्या मस्त लगेगा। तो हम इसके ऊपर रख देते हैं ये। अब हमको सबसे मेन काम करना है इसको ढकने का, क्योंकि ढकने के बाद ही अच्छे से पकेगा, लेकिन उसके पहले हम थोड़ा थोड़ा बटर इसमें साइड साइड से और लगा देते हैं, जिससे कि ये जले ना और अच्छे से पक जाए। तो क्या आप लोगों को मजा आ रहा है, मतलब मन कर रहा है खाने का? भाई जितने भी लोग वीडियो देख रहे हो सभी लोग लाइक कर दीजिए और फॉलो कर लीजिए, हम आपको इतना अच्छा अच्छा रेसिपी बताते रहते हैं और इतना हेल्दी हेल्दी, बताइए। तो भाई दूसरा ये हमारा पूरा बन गया है, पिज्जा तैयार हो गया है। अब हम इसको पकाएंगे हमारे इस नॉनस्टिक वाले में, देखना ये है कि पकता किस में सबसे ज्यादा अच्छा है। तो एक बार इसको चेक कर लेते हैं, ये देखो भाई कितना मस्त ये पक गया है। ओहो क्या खुशबू आ रही हो, माय गॉड कितना मस्त लग रहा है। हम थोड़ा सा गलती कर दिए थे साइड साइड में, हमने यहाँ पे चीज नहीं रखा था, तो थोड़ा सा इसको हम ढक देते हैं फिर से और हम अपना दूसरा वाला पिज्जा रखते हैं पकने के लिए। ये अब हम इसको ढक देंगे, क्या मस्त मुंह में पानी आ रहा है क्योंकि ये वाला हमारा बेक हो चुका है। अब हम इसको ओपन करते हैं और इसका गैस जो है उसको बंद करते हैं। तो ये देखो जी हमारा दोनों पिज्जा बन गया है, मतलब ये वाला बेक हो गया है, इसको हमने बेक होने के लिए रखा है। तो अब हम इसको निकालेंगे, कट करेंगे और खाएंगे और बताएंगे कि कैसा बना है हमारा। और इसको जब तक हम ढक देते हैं ये हमारा आराम आराम से बेक हो। हम इस बर्तन से इसलिए ढक रहे हैं क्योंकि इससे अच्छे से मतलब चिपक नहीं रहा है, नहीं तो प्लेट से क्या ना कि वो अच्छे से वो नहीं हो रहा है, ढकते नहीं बन रहा है। तो ये जो है अब हम इसको कट करेंगे, देखो कितना मस्त बना है यार। ओ माय गॉड रोटी का पिज्जा हमारा बनके तैयार हो गया है। और चक्कू कहाँ है? तो ये देखिए जी हमारा पिज्जा जो है हमने इसको कट कर लिया है, अब हम खाते हैं, थोड़ा सा ओरिगैनो मिला लेते हैं भाई और हमारा टेस्ट इसका बढ़ जाए बड़े ओतरी की। इतना ज़्यादा गिर गया, कोई बात नहीं, हमको ओरिगैनो सबसे ज़्यादा पसंद है तो हम यही वाला खाएंगे। ये देखो इधर एक हमारा बेक हो रहा है और ये एकदम गर्मा गर्म। देख रहे हैं, वाओ। तो भाई कुछ इस तरीके से आप भी रोटी का पिज्जा अपने घर पे बना के खा सकते हैं। डोमिनोज तो फेल हो गया है भाई, ये हेल्दी भी रहेगा और टेस्टी भी रहेगा। तो हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करो, फॉलो करो और शेयर करो, और रोटी का पिज्जा घर में बना के खूब खाओ।